आपने सरकार के नए टेलीकॉम बिल पर चर्चा कर ली होगी, लेकिन जवाब नहीं मिला होगा। कई सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या है इस बिल में जो इसकी चर्चा चटकारे लेकर हो रही है। सारे सवालों के जवाब देंगे हम आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूँ आपके साथ जुहे सिंह। सरकार एक नया बिल, इंडियन टेली कम्युनिकेशन बिल 2022 लेकर आ रही है, जिसका ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। इस बिल पर इंडस्ट्री और एक्सपर्ट से 20 अक्टूबर तक सुझाव भी मांगे गए हैं। फिलहाल ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में सुझाव और शिकायतें मिलने के बाद इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद सरकार की बनाई कमेटी इसे अप्रूव करेगी और फिर इस बिल को संसद की प्रक्रिया से गुजरना होगा। सरकार के मुताबिक इस बिल का मकसद फर्जीवाड़े को कम करना और यूजर्स को ज़्यादा पावर देना है। अब समझते हैं कि इस बिल में है क्या। नए बिल की सबसे खास बात कह सकते हैं इसको कि आपको ये जानने का अधिकार होगा कि फ़ोन या SMS आपको कौन कर रहा है। मतलब जैसे ही आपको कोई फ़ोन आएगा तो स्क्रीन पर सामने वाले का नाम भी लिखा होगा, आगे आपकी मर्जी फ़ोन उठाना है या नहीं। अच्छी बात यह है कि नॉर्मल नंबर से आने वाले कॉल के साथ इंटरनेट कॉल जैसे व्हाट्सएप के लिए भी ऐसा करना ज़रूरी होगा। आप कहेंगे अभी ऐसा करना कौन सा कठिन है, एक ऐप डालो और सब पता चल जाता है। लेकिन असलियत इससे अलग है। ऐप पर नाम एडिट करने का ऑप्शन होता है, स्क्रीन पर कोई सा भी नाम दिखाना संभव है। राइट टू नो सीधे KYC से जुड़ा होता है, बोले तो नंबर जिसके नाम से स्क्रीन पर वही दिखेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि KYC के लिए वही नाम देना होगा जो असली है और कनेक्शन भी उसी नाम से लेना होगा। अब अगर कोई कांड किया तो 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। एप्पल ऐसी कंपनी है जो अपने फ़ोन ऐप का एक्सेस किसी को नहीं देती है, जिससे कॉलर पहचानने वाले ऐप किसी काम के नहीं रह जाते। ऐसे में नया बिल गेम चेंजर साबित हो सकता है। DND बोले तो डू नॉट डिस्टर्ब फीचर पहले से मौजूद है, लेकिन कितना काम करता है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं। क्रेडिट कार्ड से लेकर लोन देने वाले और फलानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले कॉल का आना कहाँ बंद हुआ है। नए बिल में इसको लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। अगर आपने इस सुविधा को एक्टिवेट किया हुआ है तो अब मार्केटिंग वाले कॉल और मैसेज सीधे DND में जाएंगे। कहने का मतलब बिना आपकी सहमति के आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। क्या अब इंटरनेट कॉल का पैसा लगेगा? तो ये बात आई कहाँ से? दरअसल इंडियन टेली कम्युनिकेशन बिल 2022 के ड्राफ्ट के हिसाब से व्हाट्सएप, जूम, टेलीग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो वाईफाई कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधाएं देते हैं, उनको भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों की तरह लाइसेंस लेना होगा। भारत में मौजूद टेलीकॉम ऑपरेटर्स जिन नियमों का पालन करते हैं, उनकी तरह ऐप्स को भी इन नियमों का पालन करना होगा। अभी तक तो इंटरनेट कॉलिंग मुफ्त है, मतलब आप किसी ऐप को कॉल्स के लिए कोई पैसे नहीं देते हैं, सिर्फ डेटा रिचार्ज करने का पैसा लगता है जो टेलीकॉम ऑपरेटर को जाता है। अब अगर ये बिल पास हो जाता है और लाइसेंस लेने वाली बात प्रभावी होती है तो ऐसा हो सकता है कि यूज़र्स को इंटरनेट फीस के साथ ऐप को भी पैसे देने पड़ जाए। ऐसे कयास है क्योंकि फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। नया कानून OTT ऐप जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, Hotstar पर भी लागू होगा। कहने का मतलब सरकार इनके कस्टमर का डेटा मांग सकती है। आपको ये भी बता देते हैं कि नियम टेलीकॉम कंपनियों को राहत देगा। अभी तक तो ये होता है कि किसी की ज़मीन पर या घर पर टावर लगा है और उसने उसको बेच दिया तो नया मालिक टावर को भी अपना कहने लगता है। नतीजा तमाम कानूनी पचड़े। ऐसे हज़ारों केस आज भी पेंडिंग हैं, तो नया बिल इस पर लगाम लगाएगा। अब आप ज़मीन बेचो या घर, टावर टेलीकॉम कंपनी का है और उसका ही रहेगा। इसके अलावा स्पेक्ट्रम में दिवालिया होने पर स्पेक्ट्रम सरकार को वापस करने, मर्जर करने और अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की बात भी कही गई है। सरकार ने कहा है कि मर्जर और अधिग्रहण के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, बस नियम कायदे मानने पड़ेंगे। दूर दराज के गांव में सर्विस के लिए USOF यानी यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेटरी फंड की भी बात बिल में कही गई है। इसका नाम बदलकर दूर संचार विकास कोष यानी TDF करने का प्रस्ताव भी है। हालांकि बिल में बहुत सी बातों को साफ तौर से नहीं कहा गया है, जैसे वास्तव में OTT का मतलब क्या है। खैर, इनकी चर्चा अब होगी अक्टूबर के बाद। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।